हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान फॉरेस्ट गार्ड एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं, उनको कैसे डाउनलोड करें। तो जो वीडियो पे पहली बार आ रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप गूगल पर क्रोम पर जाओगे, वहाँ पर आपको टाइप करना है SSO। यहाँ पर आपको अपनी SSO ID से जो भी आपने जिससे आपने फॉर्म फिलअप किया था उस फॉर्म SSO ID को यहाँ पर लॉगिन कर लेंगे और ये कैप्चर को कैप्चर कर लॉगिन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर पासवर्ड वगैरह भूल गए या आईडी भूल गए तो यहाँ पर फॉरगेट का भी ऑप्शन दिया जाता है, आप उससे भी फॉरगेट कर सकते हो। जैसे हम लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाई देगा रिक्वायरमेंट पोर्टल, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको गेट एडमिट कार्ड का एक ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपके सामने दिख भी जाएगा जो फॉरेस्ट गार्ड का एडमिट कार्ड है। यहाँ पर ये आपको एप्लीकेशन दिख जाएगा, ये इसमें डेट दे रखी है, एप्लीकेशन दे रखी है और गेट एडमिट कार्ड है। यहाँ पर आप इस पर क्लिक करोगे, इस गेट एडमिट कार्ड है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर ऊपर आपको एक प्रिंट का ऑप्शन भी देख सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट भी निकाल सकते हो, अदरवाइज आपको इसको सेव करके रखना है, PDF सेव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका एडमिट कार्ड आपके सामने है, आप इस तरीके से अपना एडमिट कार्ड से डाउनलोड कर सकते हो। आज यहाँ पर आपको तिथि वगैरह, आपका जिला वगैरह और इसमें परीक्षा केंद्र का पता दिया है, इसमें आपको बताया गया है, इंस्ट्रक्शन भी दिए हुए हैं, उनको अच्छी तरह से आप पढ़ लेना। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दे रखा, जो आपका पेपर है स्टार्ट होगा वो उससे आप 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटे पहले आपको पूर्व पहुँच जाना है। अगर आप आपको डेट वगैरह से नहीं सॉरी एप्लीकेशन नंबर से डाउनलोड करना चाहते हो तो इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर सीधा ओके जो ये फॉरगेट कार्ड वाले ऑप्शन पर आ जाओगे, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा राइट साइड में गेट एडमिट कार्ड, इस पर आप क्लिक करोगे। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर आपको एडमिट कार्ड तो प्रीव एग्जाम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना, जो आपके एप्लीकेशन नंबर है उसको आप फिलिप कर लेना। उसके बाद आप आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है, जो भी आपका कैलेंडर के माध्यम से आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर जो ये टैक्स दे रखा है इसको करना है, इसके गेट एडमिट कार्ड पर फिलिप करोगे तो हमारे पास हमारा एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप दोनों तरीकों में से किसी भी एक तरीके से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो, या तो SSO के माध्यम से, हम वीडियो में इसका ऑप्शन दे दूंगा, लिंक दे दूंगा, जिस पर आप क्लिक करके सीधे आ जाओगे। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसमें देख क्या रखा है, तो आपको 30 मिनट पहले ही परीक्षा, जो पहले परीक्षा होती है उससे 30 मिनट पहले ही आपको एंट्री लेनी थी। COVID-19 के जो इंस्ट्रक्शन है उनको सभी को पालन करना है। उसके बाद आपको प्रवेश पत्र और जो भी आपके यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इसमें दे रखा है वो आप सभी को आप लेके जाना है। इसमें आपको पासपोर्ट पर साइड फोटो, ई कार्ड जो आपका जो एडमिट कार्ड है इसको लेके जाना है, आपको रंगीन फोटो लेके जानी है पासपोर्ट साइज की। इसके अतिरिक्त आपको एक पहचान आईडी लेके जानी है, जैसे मतदान हो यानी पहचान पत्र हुआ, आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हुआ, ये आपको ले जा सकते हो। तो इन इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से पढ़ लेना और अपने एडमिट कार्ड को यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।